चलिए आज हम जर्नल एंट्रीज का सम कर रहे हैं। ये कुछ टफ एंट्रीज हमने चूज की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इससे भी ज़्यादा टफ एंट्रीज लेने वाले हैं, जहाँ पे कनेक्शंस रहेगा एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन से। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन अभी कर रहे हैं हम लोग साथ में। आप है ना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, मेक अ फॉर्मेट ऑन टू पेजेस और थर्ड पेज पे वर्किंग नोट हेडिंग लिख दीजिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट एंड थर्ड पेज पे वर्किंग नोट का फॉर्मेट। चलो पहला ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेहता ये इन द बुक्स ऑफ करण है, इन द बुक्स ऑफ करण। कबीर लिख दें, करण की जगह कबीर सिंह। चलो इन द बुक्स ऑफ करण, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेहता वर्थ 40,000। अभी पहले ध्यान दो सब लोग, बाद में लिखो। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 1/4 अमाउंट इन कैश, 1/4 अमाउंट बाय चेक, फॉर विच 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। तो वो अभी पैसा कितना दे रहा है, हाउ मच मनी इज ही पेइंग। नहीं अभी फ्रैक्शन में बताओ, अमाउंट नहीं। 1/4 कैश में दे रहा है एंड 1/4 चेक में दे रहा है। मैं इसका वर्किंग करता हूं यहां पे, लेट मी डू इट हियर। सो बोर्ड पे देखो, ग्रॉस अमाउंट कितना है 40,000, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ 40,000, तो 4,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। खरीदा कितने में 36,000। एक सेकेंड बोर्ड पे देखो आप लोग, कैश में कितना पे किया रे, 1/4 कितना होता है 9,000 होता है, बट डिड वी पे 9,000, नो, ही गेव अस कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, यस और नो। तो इस पे लेस कैश डिस्काउंट 5%, 5% ऑन 9,000 विच इज हाउ मच 450। तो फाइनली हम कैश कितना पे करेंगे, 8550 पे करेंगे। फिर हमने चेक से पे किया, मैं बैंक लिखता हूं, सिमिलर अमाउंट ना, 1/4 मतलब 9,000 और उस पर डिस्काउंट है 450, सो 8550। चैताली कैन यू पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, 8550 इज व्हाट इज पेड एंड व्हाट इज पेड बाय चेक। एंड नाउ बैलेंस, बैलेंस कितना बाकी है, तो 36,000 का 2/4 बाकी है, एक 1/4 दिया दूसरा 1/4 दिया, तो अभी 2/4 मतलब हाफ मतलब 18,000 इज ऑन क्रेडिट, यस या नो। तो ये डेबिट होने वाला है, ध्यान से सुनना, ये डेबिट होने वाला है 36,000। गुड्स हमने कितने रुपए के खरीदे, 36,000 के गुड्स खरीदे। क्या 36,000 पे किया ना, तो हमें डिस्काउंट मिला टोटल 900 का डिस्काउंट मिला, 450 कैश पे मिला,
450 चेक पे मिला। अगेन बच्चे लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, ये 5% कैश डिस्काउंट बोला है ना, तो कैश तो सर 9000 ही है, ये वाला 9000 तो चेक से दिया है तो उस पर डिस्काउंट नहीं होता है। तो ऐसा सोचना गलत है। कैश डिस्काउंट का मतलब कैश पे डिस्काउंट ऐसा नहीं है। कैश डिस्काउंट का मतलब पैसा दिया, अभी ताबड़तोब दिया, जल्दी दिया तो डिस्काउंट। सो डोंट फिक्स योर माइंड ऑन द मोड ऑफ पेमेंट। पैसा कैसे भी दो, अभी अगर पैसा मिल रहा है, कैश से मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड से मिल रहा है, पेटीएम से मिल रहा है, कैसे भी मिलने दो, आई विल गिव हिम डिस्काउंट। तो दिमाग में डालने के लिए उसको कैश डिस्काउंट नहीं सोचने का, उसको डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट सोचने का। ये वर्ड समझा, डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा दे तो मैं डिस्काउंट देता है। ओके तो क्या चेक पे भी डिस्काउंट मिलेगा? आंसर है हाँ, चेक पेमेंट पे भी डिस्काउंट मिलेगा। सो टोटल डिस्काउंट हमें मिला 900 रुपया। ओके जर्नल एंट्री क्या होगा मैं बोलता हूं, आप लिखिए। डेट नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिखोगे, एक नंबर। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ₹36,000 से। टू कैश, कैश कितना पे किया, 8550। टू बैंक, 8550। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 900, दोनों डिस्काउंट आ जाएंगे। एंड टू टू व्हाट, टू हम किससे खरीद रहे हैं, मेहता से खरीद रहे हैं, तो टू मेहता रिमेनिंग अमाउंट विच इज 18,000। एनीबडी हैज अ डाउट? वी आर नॉट, हाँ जी, हाँ देना बाकी है, क्रेडिट है। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग नरेशन, क्वेश्चन में से नरेशन खुद बना के लिख देने का। वर्किंग, यू वांट टू राइट, राइट द वर्किंग क्विकली। हाँ सेकेंड ट्रांजैक्शन है, परचेज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट 200 पर शेयर। मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर के थ्रू 100 शेयर्स खरीदे रिलायंस के, एक शेयर कितने का है, ₹200 का, और जो ब्रोकर है उसने ब्रोकरेज चार्ज किया 5% ऑन द टोटल परचेज वैल्यू। तो इफेक्टिवली हमें शेयर 200 में नहीं पड़ा, तो उसमें ब्रोकरेज भी देना पड़ा हमें 5%। तो अगेन कैलकुलेशन करते हैं, तो 100 इंटू 100 इंटू 200 इज 20,000 एंड एड 5% ब्रोकरेज ऑन 20,000 विच इज 1,000। सो 21,000 इज द टोटल परचेज वैल्यू। डिड वी पे कैश? परचेज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस
at 200 per share and paid brokerage 5%. तो कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं. लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस. बोलिए. नहीं, हम अगर बहुत सारी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो जिस कंपनी का शेयर है उस कंपनी के नाम से लिखना पड़ेगा. हाँ जी. से अभी हमने रिलायंस के 100 शेयर लिए, फिर हमने विप्रो के 200 शेयर लिए, तो सबको शेयर्स में नहीं डाल सकते हैं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना हुआ? 21,000 हुआ. माइंड यू 1,000 ब्रोकरेज ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं लिखा है, शेयर के अमाउंट में ऐड कर दिया है. ओके. टू कैश स्लैश बैंक. मोड ऑफ पेमेंट नहीं लिखा है तो कैश स्लैश बैंक. थर्ड, सोल्ड गुड्स टू सुनील सोल्ड गुड्स टू सुनील 60,000. 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. रिसीव्ड 1/3 अमाउंट इन कैश एंड 1/3 अमाउंट बाय चेक. तो ये सिमिलर ट्रांजैक्शन है पहले के जैसा. 1/3 है 1/4 की जगह. इसका वर्किंग नोट आप बनाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो ये वर्किंग हमने बनाया है. जस्ट गो थ्रू द वर्किंग क्विकली. 60,000 पे 10%, जो कुछ बच्चों ने किया वैसा मिस्टेक करते हैं. ये 54,000 पे 5% नहीं ले सकते हो, क्योंकि 54,000 मिला ही नहीं है. कैश डिस्काउंट सिर्फ उस अमाउंट पे होता है जो पैसे मिले हैं. ठीक है, चलिए इसका एंट्री पास करते हैं. कैश अकाउंट डेबिट होगा. कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 17,100 से. बैंक अकाउंट डेबिट होगा 17,100 से. क्या कस्टमर से पैसे लेने बाकी हैं? हाँ हाँ. और डिस्काउंट अलाउड. कस्टमर का नाम क्या है? सॉरी, सुनील. तो सुनील अकाउंट डेबिट करेंगे. सुनील से कितना पैसा लेना है? 18,000. डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा लॉस है. नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा 1,800. एंड टू सेल्स अकाउंट 54,000. द गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड फॉर 54,000. कोई डाउट है? नहीं. चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. गुड्स वर्थ 6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000. तो क्या इसमें तीन अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक है गुड्स अकाउंट जो जल गए, दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी जो हमें 4,000 रुपया देगी. क्या दे दिया क्या उन्होंने? नहीं. एडमिटेड अ क्लेम मतलब दे आर रेडी टू गिव अस 4,000. तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 2,000 का लॉस हुआ है. तो तीन अकाउंट है, लॉस, इंश्योरेंस कंपनी और गुड्स. लॉस नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो लॉस को डेबिट करेंगे. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा. लॉस है हमारा 2,000. हाँ, इंश्योरेंस क्लेम
रिसीवेबल लिखता हूं 4000, तो मिलने वाला है वही लिख रहे हैं ना बेटा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। हाँ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6000 से क्रेडिट होगा। तो आपका डाउट है कि 4000 मिला नहीं है तो एंट्री क्यों होगी, पर 4000 मिलने वाला है ये नक्की हो गया ना। जैसे ये सुनील ने 18000 दिया नहीं है फिर भी तूने सुनील लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि अभी उसका लायबिलिटी है, ही हैज टू गिव यू। तो वैसे ये इंश्योरेंस क्लेम मतलब एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी का नाम है वहां पे, उसने क्लेम एडमिट कर दिया है कि हम आपको 4000 देंगे, तो उनसे लेने का है इसलिए वो रिसीवेबल है। हमारा गुड्स तो चला गया ना 6000 का, तो गुड्स को तो क्रेडिट करना है 6000 से। अब 6000 हमारा लॉस है क्या? करेक्ट ना, लॉस 2000 ही है, तो फिर बैलेंस 4000 क्यों नहीं लिखा आपने? क्या लिखोगे? तो जो पैसा रिसीवेबल है वो लिखेंगे हम। हाँ जी, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है सुनो ध्यान से, एक सवाल पूछा है कि इधर इंश्योरेंस प्रीमियम लिख सकते हैं क्या। तो एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा गोडाउन है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को बुलाऊंगा कि ये गोडाउन का इंश्योरेंस लेना है, वो सब चेक करेगा। एग्जांपल दे रहा हूं सुनना समझना, मैं अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहा हूं ना, आग लगेगा तो मेरे को पैसा देने का। तो अगर मेरा गोडाउन ऐसे जगह पे है, कोने कोपचे में है, जहां पे फायर ब्रिगेड आ ही नहीं सकता है, वो मुझे क्लेम नहीं, मेरा पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो बोलेंगे हम आपको पॉलिसी, हम आपका रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत रिस्की ट्रांजैक्शन है ये। समझाया बाउंसर गया? तो वो आएगा, चेक करेगा गोडाउन सब बराबर है कि नहीं। मान लो इलेक्ट्रिक के वायर सब खुले हैं तो फायर, तो फिर यू आर इन्वाइटिंग फायर, तो अगेन ही विल नॉट गिव क्लेम। देर विल बी लॉट ऑफ कंडीशंस दैट दे विल पुट अप। तो अगर उन्होंने हमारा रिस्क एक्सेप्ट किया दैट ओके आई एम रेडी टू गिव यू पॉलिसी, बट आपको अगर एग्जांपल है, अगर आपको 10 लाख का पॉलिसी चाहिए, यहां पे गोडाउन में 10 लाख का माल होता है, तो वो 10 लाख पे आपको मुझे फिगर्स आर एग्जांपल 10000 का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो फिर मैं चेक बना के दूंगा उसको 10000 का। तो वो 10000 का जो चेक मैंने दिया वो मेरा एक्सपेंस है श्रेयसी, 10000 का जो पैसा मैंने दिया वो मेरा एक्सपेंस है, वो दूंगा तब एंट्री पास करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश बैंक। अब पूरे साल भर मैं इंश्योर्ड है, रात को नींद आती है, फैक्ट्री में नहीं रहूंगा तो भी, क्योंकि गोडाउन में कुछ भी हो गया तो गोडाउन में जितना माल है उतना माल का पैसा मेरे को मिल जाएगा। हाँ या ना, बेस्ड ऑन द पॉलिसी दैट आई हैव टेकन। तो अभी आग लग गई और 6000 का नुकसान हुआ, तो बेस्ड ऑन पॉलिसी, ये नहीं पूछना सर क्यों 4000 मिला, वो तो पॉलिसी पे प्रैक्टिकली डिपेंड होगा, पॉलिसी के टर्म्स क्या हैं उसके बेसिस पे। तो 6000 ये केस में, अभी 6000 का नुकसान हुआ है और कंपनी ने 4000 एक्सेप्ट किया, तो वो प्रीमियम तो 10000 हमने भर दिया है, उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो तो एक्सपेंस हो गया है। अगर आग नहीं लगता, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो भी वो 10000 तो एक्सपेंस है हमारा। आग लगा, ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 4000 रुपया मिलेगा, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। मान लो बाजू वाले ने इंश्योरेंस ही नहीं लिया, उसका भी गुड्स जल गया एग्जैक्टली 6000 का, वो क्या एंट्री पास करेगा? लॉस टू गुड्स 6000 रुपया, उसका पूरा 6000 का नुकसान है। मैं थोड़ा अच्छा बिजनेसमैन था, रिस्क को मैंने अवॉइड करने के लिए ऑलरेडी पॉलिसी लिया था, तो मेरा 6000 का नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान 2000 का ही हुआ। समझा? हाँ जी, डाउट? रिसीव्ड हो गया तो फिर इंश्योरेंस क्लेम कैसे? फिर तो कैश आएगा ना।
चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर्ड 20,000 फ्रॉम अ प्राइवेट सेविंग बैंक ऑफ अ प्रोप्राइटर टू बिजनेस करंट अकाउंट. तो मेरा दो अकाउंट है, एक अकाउंट है सपन परिख का अकाउंट मेरे घर के बाजू के बैंक में, वो सेविंग्स अकाउंट है, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, और एक है इधर क्लासेस के बाजू में, वही नाम है एग्जैक्टली सपन परिख, पर उधर करंट अकाउंट है. अब एग्जाम्पल मंथ एंड में मुझे कुछ पेमेंट करना है, करंट अकाउंट का बैलेंस देखा थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने मेरे सेविंग अकाउंट से 20,000 रुपया ऐप में जाके ऑनलाइन इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया. तो मेरे घर के अकाउंट से मेरे क्लास के अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफर हो गए. इज इट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मी इन द बिजनेस? यस, एडिशनल कैपिटल. प्रोपराइटर घर गया, फिजिकली नहीं गया, बट प्रोपराइटर घर गया, घर के नजदीक बैंक में गया, वहां से 20,000 निकाला, 20,000 लाके क्लास के अकाउंट में जमा किया. अगेन नॉट फिजिकली, है ना, दो तीन बार उंगली अंगूठा दबाया और ट्रांसफर हो गया. तो बैंक बैलेंस बढ़ गया. व्हेन वी से बैंक, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस. अ बिजनेस कांट हैव अ सेविंग्स अकाउंट. मैं अगर बिजनेस का अकाउंट खोलने जाऊंगा बैंक में तो वो करंट अकाउंट ही बनेगा, सेविंग्स अकाउंट नहीं बनेगा. ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच इज द अमाउंट? 20,000. वेरी गुड. सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. वन बेसिक डिफरेंसेस, सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो. डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, कितना आप निकाल सकते हो, सबका लिमिट होता है. करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होता है. ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है. करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, अगर आप बात करो बैंक मैनेजर से. ओवरड्राफ्ट मतलब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो फैसिलिटी दे सकते हैं, सेविंग में वो फैसिलिटी नहीं होता है. ओके, चलिए. परचेस्ड फर्नीचर वर्थ 30,000 एंड पेड कैरेज 300. क्या फर्नीचर हमारा गुड्स है, हमारा एसेट है, और इसीलिए जो कैरेज का प्राइस है, कैरेज का 300 रुपया है, वो कैरेज अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड कर देंगे. करेक्ट, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे. हाउ मच? 30,300 और टू कैश अकाउंट 30,300. कोई बोल रहा है सर ये थोड़ी का टफ एंट्री होता है. वी आर टफर देन दिस, वी कैन सॉल्व टफर एंट्रीज. ये क्या डफर जैसा एंट्री दिया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,300 टू कैश 30,300. क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? चलो अब ये एंट्री में ना थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में. लास्ट लेक्चर में मैंने हिंट दिया था क्या? हाँ, देखते हैं, देखते हैं. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेहता, तो मेहता पेड नहीं होगा, पेड टू मेहता है ना. ट्रांजैक्शन में लिखने में गड़बड़ हो गया. ठीक है, ये मेहता से हमने खरीदा था तो मेहता पे नहीं करेगा, ऐसा कोई होता नहीं है ना. तो इधर वी पेड टू मेहता. ओके, वी पेड टू मेहता 17,100 आफ्टर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट.
एक्चुअली ना ये क्वेश्चन में तो अमाउंट हमें मालूम है, मेहता को कितना देने का है? 18,000 देने का है, और उसने 5% दिया अगर हमें डिस्काउंट, तो 18,000 का 5% 900 होता है, हाँ या ना? तो 18,000 में से 900 माइनस किया तो 17,100 इज व्हाट वी पेड टू मेहता, समझा? बट लेट अस कॉम्प्लिकेट दिस थोड़ा सा. से हमें मालूम नहीं है कि मेहता को 18,000 देने का है. आई विल रिपीट, ये सब में तो मालूम है कि मेहता को 18,000 देने का, क्योंकि वो इससे लिंक्ड है ये ट्रांजैक्शन से. बट अगर हमें मालूम ही नहीं है कि मेहता को कितना देने का, और क्वेश्चन में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मेहता को 17,100 पे किया एंड ही गेव अस अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो प्रश्न ये है क्या 5% 17,100 पे कैलकुलेट होगा? तो वेरी गुड, तो आंसर है ना, नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद 17,100 आया है. तो अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा छोटा सा. करेक्ट, तो ऐसे अज्यूम करेंगे से ग्रॉस अमाउंट है 100, पैसा देने का बाकी है 100, तो कैश डिस्काउंट कितना होगा? कैश डिस्काउंट 5 रुपया होगा, तो अमाउंट पेड कितना होगा? 95 होगा. अगर 100 रुपया देने का था तो 5 रुपया माइनस करके 95 ही देंगे. तो अगर 17,100 दिया है तो कितना देने का था? तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, विच इज 17,100 इंटू 100 अपॉन 95. We are not wasting time in calculation, so the answer is 18,000. ओके, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. मतलब कैश डिस्काउंट कितना दिया मेहता ने? 900 का कैश डिस्काउंट दिया. लॉक किया जाए तो जर्नल एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, मेहता अकाउंट डेबिट. मेहता को एक्चुअली हमने 18,000 दिए पर 18,000 नहीं दिए. मेहता को एक्चुअली 18,000 दिए पर 18,000 नहीं दिए. मतलब 18,000 का अमाउंट सेटल हो गया बट वी एक्चुअली गेव हिम 17,100 विच मीन्स वी रिसीव्ड अ डिस्काउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड इज 900. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सिमिलर है. रिसीव्ड 19,000 आफ्टर अलाउइंग हिम. अगेन इधर नाम लिखना भूल गया हूं मैं, वो किसको सेल किया था? सुनील को ना. ये सुनील का ट्रांजैक्शन है. 18,000 ही लेने का था. अच्छी बात है. तो कोई नहीं, जो ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री करेंगे, ऊपर से लिंक करने का जरूरत नहीं है. तो इधर हम लोग 19,000 मिला है, उसके अकाउंट में ज्यादा देखेगा. सो रिसीव्ड 19,000, डोंट लिंक इट टू द अर्लियर एंट्री. ओके, कीप इट ए स्टैंड अलोन एंट्री, डोंट वरी. ऐसे सम्स में लिंक नहीं होता है, तो मैंने करने का कोशिश किया था. तो रिसीव्ड 19,000 आफ्टर अलाउिंग सुनील अ डिस्काउंट ऑफ 5%. तो जैसे अभी हमने वर्किंग किया, आप वर्किंग करके बताइए ग्रॉस कितना होगा और डिस्काउंट कितना होगा. चलो चलो आ जाओ इधर आ जाओ. सो कैश रिसीव्ड हाउ मच? कैश रिसीव्ड 19,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000 टू सुनील. हमने क्वेश्चन में नाम ऐड कर दिया है कि ये सुनील ने दिया है.
20,000, कैश मिला 19,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, टू सुनील 20,000। हाँ जी, हम लोगों को कंपेयर नहीं करना है सुनील के अमाउंट के साथ, उसने एक्स्ट्रा दे दिया है, बट डोंट कंपेयर। ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे जहां पे लिंक नहीं है, सो डोंट अननेसेसरली क्रिएट लिंक्स। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ रुपीज 10,000, इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम फादर इन लॉ, ससुर जी ने गिफ्ट दिया, विथ विच परचेज शेयर्स ऑफ इंफोसिस। वेरी गुड, सुनो, इसमें कैश बिजनेस में आया भी नहीं है और चला गया, बिजनेस में आए बिना चला गया ना, नहीं क्या? ऐसे करना है तो दो एंट्री कर सकते हैं, दो। सुनो सुनो, एक कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, अब फादर इन लॉ क्रेडिट नहीं करेंगे। फादर इन लॉ ने पैसे दिए, वो पर्सनल पैसे हैं जो मैं बिजनेस में ला रहा हूं, तो कैश डेबिट करूंगा, अभी करना नहीं है, रुको, हम लोग कंबाइंड एंट्री करने वाले हैं। अगर अज्यूम करने की कैश बिजनेस में लाया तो कैश टू कैपिटल करूंगा, और फिर वही कैश यूज किया शेयर्स खरीदने के लिए, तो इंफोसिस टू कैश करूंगा, तो कैश आया और चला गया, आए बिना। तो कैश कैश अगर कैंसिल कर दें दोनों एंट्री से, तो द नेट इंपैक्ट ऑफ बोथ द ट्रांजैक्शन इज इंफोसिस टू कैपिटल। समझा या बाउंसर गया? वेरी गुड, तो लिखो इंफोसिस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंफोसिस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंफोसिस, हाउ मच? 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000। टेंथ, काफी बच्चों ने वो नोट्स लिया नहीं है, तो अगर आपने नहीं लिया है तो जरा लेक्चर के बाद ले लेना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल रुपीज 5,000 एंड सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स टू प्रवीण एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसमें दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, पहले हमने अनिल से गुड्स खरीदे 5,000 के, तो पहले खरीद लेते हैं, चलो परचेस टू अनिल 5,000, अनिल को पैसा नहीं दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपया। हम ट्रेडर हैं तो ऐसे ही गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये गुड्स हमारे पास आ गए और प्रवीण भी आया, प्रवीण को इसमें से आधे गुड्स हमने बेच दिए, आधे, और बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट तो करेंगे, तो हमने प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया? 20% प्रॉफिट किया ऑन कैश प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 5,000 का हाफ ये स्टॉक में है और ये सोल्ड, सोल्ड टू होम प्रवीण, कितना? हाफ, हाफ ऑफ 5,000, मतलब 2,500 के गुड्स हमने बेचे, 2,500 कौन सा प्राइस है? कॉस्ट है, और इस पे हमने 20% प्रॉफिट किया, तो 20% 2,500 का कितना होता है? 500 रुपया, मतलब 3,000 रुपए हमें प्रवीण से लेने हैं। समझा क्या? अच्छा ध्यान से सुनो, इसमें प्रॉफिट का
कोई एंट्री नहीं होने वाला है। हम इनवॉइस बनाएंगे 3000 का ना, क्योंकि आया नहीं से मतलब नहीं, आएगा ऑफ कोर्स आएगा, 3000 आएगा, पर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स 3000 लिखेंगे, परचेस तो यहां पे 2500 है, मतलब ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग विगर विल बी प्रॉफिट। नहीं समझा? प्रॉफिट का कोई एंट्री नहीं होता है, सेपरेट एंट्री। व्हेन वी सेल गुड्स, आई विल रिपीट, लिसन, व्हेन वी सेल गुड्स, जानवी लिसन, देयर इज नो सेपरेट एंट्री फॉर प्रॉफिट। व्हेन वी सेल गुड्स, व्हेन वी सेल गुड्स, देयर इज नो सेपरेट एंट्री फॉर प्रॉफिट। फिक्स्ड एसेट बेचा, देन देयर विल बी अ सेपरेट एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस। आई विल रिपीट, फिक्स्ड एसेट बेचा, देन देयर विल बी अ सेपरेट एंट्री फॉर प्रॉफिट या लॉस। गुड्स बेचा है तो वो बैलेंसिंग फिगर जब आप आगे सीखोगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आई एम रिपीटिंग, 3000 का सेल है, 2500 का परचेज है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी शोन बाय द पीएनएल दैट 500 इज माय प्रॉफिट। लॉक किया जाए तो यहां पे हमने सुनील को नहीं, प्रवीण को गुड्स बेचे हैं, तो प्रवीण अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 3000 से। हाँ जी, क्या डेट नहीं है, तो नंबर्स हैं। हाँ तो ठीक है ना, अभी नंबर्स में क्या करना है। प्रवीण टू सेल्स 3000, चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, 3000 वाज रिसीवेबल फ्रॉम विजय। अब ऊपर किधर ढूंढना, नहीं विजय नहीं है ऊपर हमारे ट्रांजैक्शन में, ये एक अलग स्टैंड अलोन एंट्री है। विजय से 3000 लेने के बाकी थे, विजय मतलब समझा ना कौन, तो 3000 वाज रिसीवेबल फ्रॉम विजय, बट ओनली 30 पैसे इन अ रूपी, वेरी गुड, 30 पैसे इन अ रूपी। ए रूपी मतलब कितना पैसा, 100, मतलब 100 पैसा अगर लेने का है तो 30 पैसा मिला। सुनो एक सेकेंड, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, अभी इंडिया में एक नया एक्ट भी आया, बैंकरप्सी कोड करके एक एक्ट आया, बैंकरप्सी कोड मतलब एक लॉ आया है नया, तो उसमें अगर मैं बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट मतलब मेरे लायबिलिटीज ज्यादा है मेरी एसेट्स का कंपैरिजन में, मांगने वालों की लाइन लगी है उधर खड़े हैं बाहर सब लोग जिनको पैसे देने हैं, और मेरे पास इनफ पैसे है नहीं सबको देने के लिए, तो हो सकता है फिर मैं सीलिंग चला जाऊं, है ना। ओके, तो फिर इन दैट केस जिसको भी पैसा लेने का वो लोग भी कहीं ना कहीं जाएंगे, है ना, इट विल रोल ऑन ना। तो अगर बैंकरप्ट हो गया मैं, तो सुनिए, तो जो कोर्ट है वो कोर्ट सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है, मतलब सील लगा देती है, और वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा पूरा गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट विल देन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पीपल टू होम दैट फेलो हैड टू पे, और फिर जितना पैसा जमा हुआ, जितने जन को देने का है, उसका हिसाब लगा के सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं प्रपोर्शनेटली। तो 30 पैसे इन अ रूपी का मतलब, अगर मुझे 100 पैसा लेने का था विजय से, तो कोर्ट के तरफ से मुझे 30 पैसा मिलेगा। थर्टी पैसा इन अ रूपी मतलब हमें कितना पैसा लेने का था, 3000 लेने का था, तो 3000 इंटू 30/100 इज वॉट आई विल गेट, सो 900 रुपीज इज वॉट आई विल गेट,
3000 was supposed to be received, 2100 loss हो गया, but वो loss को एक specific नाम दिया गया है, हम उसको बोलते हैं bad debt. तो विजय के नाम को हमारे जिंदगी और books से निकाल रहे हैं, इसको write off भी बोलते हैं. तो the next entry is cash account debit 900, bad debt account debit 2100 to Vijay 3000. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टफ एंट्रीज करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग नहीं करना है. ओके, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछिए प्लीज. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफिकल्ट और क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.